नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इंडियन व्लॉगर राजू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से मिट्टी के बर्तन किस प्रकार बनाए जाते हैं, या कहो कि मिट्टी के मटका किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ओ बाबू पूरा दे, तन पीसा दूंगा मैं। कुछ रोटी को था पकाड़ ले, बक्सा के देखो। बड़े मेल आपने टपरी में करवा दी खड़ा भी कर। दोस्तों, अभी आपने देखा कि चाक पर मटका किस प्रकार से बनाते हैं वो हमने आपको बताया है, देखो। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो कच्चा मटका होता है उसकी घड़ाई किस प्रकार से होती है। आप घड़ाई कर रहे हो ना इसकी? घड़ाई जी, ये देखिए आप किस प्रकार से मटके की घड़ाई की जाती है। क्यों की जाती है ये घड़ाई? इसे अगर घड़ाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब घड़ाई नहीं करेंगे तो बिकेगा नहीं, मोटा मटका नहीं होगा। मोटा नहीं होगा? मोटा नहीं होगा। अच्छा,
हमारे बड़ा बुजुर्ग का धंधा है। अच्छा, धंधा तो करना ही पड़ता है सर जी, लॉकडाउन लग गया ना, इसलिए घर ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, बाहर तो नहीं निकल सकते। इसके लिए मिट्टी को स्पेशल मिट्टी लेते हो या फिर नॉर्मल जो मिट्टी होती है वही काम में लेते हो? नहीं, इस मिट्टी को चार तरह की मिट्टी चलती है इसके मायने। मिट्टी ये बर्तन बनाने में बानी चलती है, पीली गारा चलती है। बानी मतलब ये जो चूल्हा की राख होती है। अच्छा, चूल्हे की राख। और काली मिट्टी आती है, भूरी मिट्टी आती है। तो मटके बनाने में कौन सी लेते हो आप? ये चारों चीज ही चलती है। चारों चलती है क्या? चारों गारा चलती है। अच्छा, फिर ये पक्के कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये चार दिन में सूख जाते हैं, पांच दिन पका लेते हैं। तो छाया में सुखाते हो या धूप में? नहीं, छाया में। ये देखो, जैसे मान लो ये तुआ है, अब इसको ऐसे ढकते हैं। अच्छा, ऐसे ढक करके चार दिन सुखाते हैं छाया में। छाया में इसको सूखने के बाद के माने फिर चालू करते हैं सुखाते। तावड़ा के माने क्या, टूट जाती है गारा। अच्छा, फट जाती है मिट्टी। अच्छा अच्छा, ऐसे करके करते हैं और इसमें गाड़ते हैं, फिर चादना से साड़ते हैं। बहुत अच्छा, वो कंकर पत्थर आ जाए तो इसमें मिट्टी में कंकर पत्थर आ जाए तो उससे पहले क्या करते हो आप? मिट्टी लाते हो बोलते हो खेत में से? मिट्टी खेत में से लेते हैं, इसमें गाड़ करके फिर चादना से साड़ते हैं। खेत में से क्या, तालाब की मिट्टी होती है? काली मिट्टी, तालाब की मिट्टी। फिर उसमें कोई कंकर पत्थर नहीं रहे, इसलिए पहले कूटते हो उसको? कूटते हैं, फिर यहाँ गाड़ते हैं, फिर चादना से साड़ते हैं, दूसरी जगह लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल उसमें एक भी कंकर नहीं रहना चाहिए, है ना? कंकर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, इसलिए हमारा जो गुजर चलता है। अच्छा अच्छा, परंपरा से करते हुए आ रहे हो या ये काम आपका? बुजुर्ग करते थे, हम भी लग रहे हैं चाड़े में। अच्छा, अब आपके बच्चे बच्चे भी करते होंगे? नहीं करते हैं? नहीं करते हो? नहीं करते हो? तो हमारे कोई लड़ते हैं, क्यों करते हो आते ऐसा करते हैं। अच्छा अच्छा, पर ये तो करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि ये तो चीजें। हाँ, करना तो पड़ेगा, पर अब सब बाहर जयपुर जाते हैं, जयपुर लॉकडाउन लगने से घर पे आ गए, क्या करें।